सिंचाई विभाग गुरुग्राम के अधीक्षक अभियंता शिव सिंह रावत ने केबीसी वेलफेयर सोसाइटी एवं एआईपीएल कंपनी के साथ मिलकर हथीन के विभिन्न गांवों के सरकारी स्कूलों का दौरा किया। इस पर स्कूलों में मिली खामियों का जायजा भी लिया गया, जिसके बाद अब केबीसी वेलफेयर सोसाइटी पलवल और AIPL कंपनी स्कूल में मिल रही कामियों को पूरा करेगी। शिव सिंह राहत SE सिंचाई विभाग गुरुग्राम ने जिले के हथीन क्षेत्र में बने सरकारी स्कूलों में सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हथीन शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा इलाका है, स्कूलों की हालत सुधारने के लिए काफी प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम KBC वेलफेयर सोसाइटी पलवल और विभिन्न प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया गया है। इसी क्रम में सरकारी स्कूल गाँव खिलुक्का में चार दीवारी काम प्रगति पर है। इस तरह सरकारी स्कूल गांव वहीन, पहाड़ी, नागलजाट, अंधोप तथा मानपुर में बने सरकारी स्कूलों का दौरा किया गया। निरीक्षण के दौरान स्कूलों में बच्चों को पानी के लिए पीने की व्यवस्था, बैठने के लिए बेंच टेबल, स्कूल में लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था जैसे अहम बिंदुओं पर नजर डाली गई। जिस स्कूल में जिसकी कमी मिली, कंपनी के अधिकारियों ने तुरंत कमी को नोट किया। अभियक्ष अभियंता ने कहा कि जल्द ही कंपनी के द्वारा मिल रही कमियों को पूरा करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि गांव मानपुर में राजकीय उच्च विद्यालय लड़की तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालय लड़कियां में चार दीवारी, पानी के लिए आरओ तथा कमरों की मरम्मत व रास्ते पर टाइल लगवाने, बच्चों के लिए टॉयलेट की मांग की गई। इसके बाद गांव नांगल जाट माध्यमिक विद्यालय में चार दीवारी, सौर ऊर्जा से संचालित लाइटें, आरओ तथा बच्चों के बैठने के लिए स्टूलों की मांग की गई। इसके बाद गांव नांगल जाट में रावत खाप के शहीद दादा कान्हा के शहीदी दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए और गांव वालों ने SE रावत साहब को सामाजिक कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। तो मैंने ये देखा भी हमारे स्कूलों की मोटे तौर पे आज भी वही हालत है जो मैं स्कूल में पढ़ता था। 81 में मैंने 10वीं की, तो कितने सालों की, 1936-40 साल पहले। आज भी बच्चे टाट पे बैठे हुए हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा बीच में शिक्षा के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैडम पूछा है ये इनका, चाहे भले ही लोग कहिए बहन में तो कई अफसर है, लेकिन ये बात नहीं, शिक्षा पूरे इलाके के लिए हम काफी पीछे हैं। एक हमारा सिपाही लग जाए, एक क्लर्क लग जाए, ये कोई शिक्षा नहीं। अब जितना भी ये कर सकें उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे हालत को देखते हुए जितना आप मदद कर सको, जैसे 3 स्कूल हैं या 3 नहीं तो 1 को ले लो पहले, 2 को ले लो पहले, तो हर गांव वाले छोटे छोटे कुछ भी कुछ इनसे करवाएंगे, कुछ और कोई कंपनी होगी उनको पकड़ेंगे, उनसे करवाएंगे। तो ये एक हमारी शुरुआत है कि किसी तरह से बच्चा स्कूल में जा रहा है उसको बेल्ट